यहाँ अपने घर आ चुकी हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको मिलवाती हूँ अपनी मम्मी जी से, यानी सासू माँ से और पापा जी से। तो पापा जी कुछ अलग खाना चाहते थे, वो मम्मी जी से। क्या बोलना मम्मी? कुंदरू। क्या है? कुंदरू। कुंदरू बनाने आज हमारी मम्मी जी कुंदरू की सब्जी बनाने जा रही हैं। तो इसे बनाने के लिए मम्मी ने लिए हैं आधा किलो कुंदरू। इन कुंदरू को मम्मी ने अच्छे तरीके से धुल के और बीच से फाड़े दे रही हैं। कुंदरू स्वास्थ्य की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छे होते हैं और इन्हें खाने चाहिए और बड़े ही स्वादिष्ट बनते हैं। फिर मम्मी जी के हाथों से वाह क्या कहने। तो मम्मी जी कैसे अपने तरीके से इन्हें बनाती हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे पहले तो पानी में डाल दिए उबालने के लिए और इंडक्शन पे चढ़ा दिए हैं। और मसाला इधर मैं तैयार कर ले रही हूँ, लहसुन प्याज रखा हुआ है और इधर कुंदरू काफ़ी तेज से पदकने लगे। अभी सुखड़े नहीं, देखो रंग से ही पता लग गया है आप लोगों को कि ये उबल चुके हैं। तो अब क्या करते हैं, इन्हें ठंडा हो जाने, ठंडा आ जाए तब ऐसे हाथ से धर के इनको पानी निकाल दिया। तो कच्चा आम इन्हें भी पीसेंगे और ये खटाई की जगह मिलाएंगे। हाँ, सब मसाला एक मिलाए के ये लहसुन प्याज पीस के रखा हुआ है। तो इसमें मसाले कौन कौन डालेंगे? तो इसमें डालेंगे सबसे पहले एक चम्मच पिसी हुई धनिया, एक चम्मच पिसी हुई सौंफ और एक चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च और नमक डालेंगे स्वादानुसार। और अगर आप कच्चा आम की खटाई या पिसी हुई खटाई नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें नींबू भी मिला सकते हैं। इनको पानी निचोड़ दिया तो कठाई निकल जाए। मम्मी ने सारे मसाले कुंदरू के अंदर भर दिए हैं और कुंदरू भर के तैयार हैं। अब आगे क्या करना है, किस तरीके से भूनना है वो आपको दिखाती हूँ। कुंदरू सारे भर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, जो काट के रखा था प्याज वो डाल दे रहे हैं। प्याज ब्राउन होने तक भूनेंगे, अब इसे कुंदरू इसमें डाल देंगे। अब कुंदरू को अच्छे से भूनेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें, आपको तभी पता लगेगा कि ये कैसे भूनते हैं। मैंने तो इसे ऐसे डाल के और ढक दिया था, फिर मम्मी जी ने बताया नहीं, इसको थोड़ा सा पानी इसमें डालना होता है क्योंकि कुंदरू तो पके हुए होते हैं, मसाला भुनना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे गीले गीले उसे मसाला कच्चो रह गई है और वैसे ही मसाला फूक पक गई है। बस थोड़ी देर ढक देने का, ढक दो, उसे ढक दो खाली, बस ऐसे ढक दे थोड़ी देर, ऐसे ढक। तो देखिए कुंदरू यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से पदक रहे हैं और लगभग बन गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, वो जब सूख जाए इसके बाद में अच्छे से थोड़ा सा काल लेंगे। देखिए देखने में कितने सुंदर लगते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट। आ गया ना मुँह में पानी, मेरे तो मुँह में पानी आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं कुंदरू। आप लोग भी इसी तरीके से कुंदरू बनाइए और सबको खिलाइए, यकीन मानिए सभी तारीफ करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो एक ऐसा लगा कमेंट करके बतलाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।